सो हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में आपको फोन के एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूजफुल है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन वो इसको यूज नहीं करते हैं कि कैसे आप एक फोन में दो फोन क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि गाइस, काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारा फोन कोई दूसरा बंदा हमसे मांगता है यूज करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि अपना फोन उसको दे तो देते हैं, लेकिन मन में एक डर सा बना रहता है कि कहीं हमारा डेटा डिलीट ना हो जाए, कोई एप्लीकेशन डिलीट ना हो जाए जिसको हम फोन दे रहे हैं, कहीं वो हमारे डेटा से छेड़छाड़ ना करे, कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ना कर दे, ठीक है? तो दोस्तों, अब आप बहुत ही आसानी से अपने एक फोन में दो फोन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जब आप सामने वाले को अपना फोन दोगे, उसको बिल्कुल नया फोन मिलेगा, उसमें ना तो कोई डेटा रहेगा, ना ही कोई एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी लॉगिन नहीं रहेगा, ठीक है? बिल्कुल नया फोन मिलेगा। और दोस्तों, वो उस फोन को यूज कर पाएगा, आपका डेटा ना तो वो देख पाएगा, ना ही कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर पाएगा, यानी आपके डेटा और एप्लीकेशन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये दो फोन देख सकते हो, ठीक है? मान लो कि ये फोन बिल्कुल नया है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस फोन को हम यूज करते हैं। सामने वाला बंदा, अगर कोई भी बंदा हमसे फोन हमारा मांगेगा, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला फोन देंगे जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है? कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह आप सिर्फ एक ही फोन में दो फोन क्रिएट कर सकते हो। और जब आप सामने वाले को अपना फोन दोगे, तो उसको बिल्कुल नया फोन मिलेगा, ठीक है? वो आपके डेटा से ना तो छेड़छाड़ कर पाएगा, ना ही देख पाएगा। ये जो ट्रिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत जगहों पर यह काम आता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं, ठीक है? अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक फोन में दो फोन यूज कर सकते हो, कैसे आप दो फोन चला सकते हो। आप यहां पर ये दो फोन देख सकते हो, एक रियलमी का फोन है, एक रेडमी का फोन है। इन दोनों फोनों में मैं आपको दो फोन चला के दिखाने वाला हूं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको रियलमी के फोन में करके दिखाता हूं कि कैसे आपको दो फोन चलाना है, क्योंकि रियलमी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी है, ठीक है? सिंपली आपको कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, ठीक है? आप ये आदमी बना हुआ देख सकते हो, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको अपने फोन को दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हो, इसमें फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं, अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? ये आदमी बना है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा गेस्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपके फोन में एक नया फोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो नया फोन क्रिएट हो रहा है, स्विच हो रहा है, इस तरह नया फोन क्रिएट हो जाएगा। यहां पर हमारे फोन में नया फोन क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो, इसमें लॉक भी सेट नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा वेट करना होगा, ये लोडिंग ले रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है? ना व्हाट्सएप है, ना ही इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी नहीं है। यहां पर पहले से एप्लीकेशन आता है फेसबुक का, तो फेसबुक है, ठीक है? बाकी इंस्टाग्राम नहीं है, ना ही व्हाट्सएप है, मैसेंजर भी नहीं है, आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है। हमारे फोन में एक नया फोन क्रिएट हो चुका है, ठीक है? जैसे हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, ठीक है? आप देख सकते हो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है, ठीक है? जब भी आपका फोन कोई दूसरा बंदा यूज करने के लिए मांगे, तो सिंपली आपको अपने फोन में नया फोन क्रिएट करना है, उसको अपना फोन दे देना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि वो नए फोन को यूज करेगा, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, ना ही कोई अकाउंट है, वो आपके फोन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोन है वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगा, डेटा सेफ रहेगा, एप्लीकेशन सेफ रहेंगे। इस तरह गाइस, आप एक फोन में दो फोन यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर हमें इसको पहले की तरह करना है तो क्या करेंगे। तो फिर से आपको कंट्रोल सेंटर में जाना है, इस पे क्लिक करना है और ऑनर पे क्लिक करना है, ठीक है? ये फिर से स्विच हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो मेन फोन ओपन हो चुका है, ठीक है? इस तरह दोस्तों, आप इस फीचर को रियलमी के फोन में यूज कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो लॉक भी आ चुका है।
अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को Redmi के फोन में कर सकते हो। Redmi का जो प्रोसेस है थोड़ा टफ है, तो वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है सेकंड स्पेस, आपको यहां पर मिल जाएगा स्पेशल फीचर में सेकंड स्पेस है, आप देख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन सेकंड स्पेस, आपको इस पर क्लिक करना है। अब क्या होगा कि इस फोन में भी नया फोन क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हो स्विच हो रहा है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेट नाउ, आपको यहां पर एक पासवर्ड सेट करना है। इस तरह आपको पासवर्ड को क्रिएट करना है। अब आपको यहां पर एक पिन क्रिएट करना है, ठीक है, 6 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर से पिन को कंफर्म करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको स्किप कर देना है, आप इसको सेट भी कर सकते हो। अब आप यहां पर देख सकते हो हमारे फोन में एक नया फोन क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो नया फोन क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल नया, इसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह नहीं है। अब दोस्तों कोई भी मांगेगा तो आपको सिंपली इस फोन को उसको दे देना है, वो इस अकाउंट को यूज करेगा। तो दोस्तों इस तरह आप Redmi के फोन में एक नया फोन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको पहले वाला फोन ओपन करना है, पुराना वाला, तो सिंपली आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा स्विच का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर अपना पासवर्ड डाल देना है, ठीक है, इस तरह आपको पासवर्ड डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्विच हो चुका है और हमारा पुराना वाला फोन ओपन हो चुका है। इस तरह गाइस आप अपने फोन में इस फीचर को यूज कर सकते हो, काफी यूजफुल और मजेदार फीचर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।